प्रधानमंत्री मोदी जिस रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कई इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दूं कि भारत की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नेतागण अपने चुनावी भाषणों में जनता जनार्दन के लिए कई लुभावने वादे करते हैं। उसी को आजकल राजनीतिक शब्दावली में रेवड़ी कल्चर बोला जा रहा है। नेताओं द्वारा किए गए वादे उनके कुर्सी पा जाने की स्थिति में कुछ पूरे होते हैं तो कुछ छूट जाते हैं। कई बार ये वादे आधे अधूरे रह जाते हैं, तो कई बार नेतागण ही अपने ही किए वादों को भूल जाते हैं। इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर आजकल घमासान मचा हुआ है। जो पहले इसके हिमायती थे आजकल विरोधी बने हुए हैं, और जो पहले इसके विरोधी थे आजकल हिमायती बने हुए हैं। क्या है यह गोलमाल और क्यों है यह गोलमाल, बताएंगे आपको पूरी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, प्रधानमंत्री मोदी देश के समग्र विकास का हवाला देते हुए देश में बढ़ते रेवड़ी कल्चर पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन तमाम विरोधी दल राजनीतिक मजबूरियों की वजह से और जनता की गरीबी की दुहाई देते हुए देश में रेवड़ी कल्चर पर एक नए सिरे से बहस की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो रेवड़ी कल्चर पर जनमत संग्रह कराने की बात कह एक नया शिगुफा ही छेड़ दिया है। इस बहस में तमाम राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान देखते हुए कूद पड़े हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में भारत की परिकल्पना एक कल्याणकारी सरकार के साथ की गई है। विपक्षी दलों पर फ्री रेवड़ी कल्चर अपनाने का आरोप लगाने वाली सरकार खुद ही देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और राशन महीनों से दे रही है, साथ ही उसका यशोगान कर रही है। तो ऐसे में तो यही कहा जा सकता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और यही वजह है कि विपक्षी दल सरकार पर राजनीतिक जुमलेबाजी करने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि सब्सिडी और मुफ्तखोरी दो अलग चीज़ें हैं और दोनों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। सरकार जो सब्सिडी देती है उसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के तहत समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मिलने वाली सहायता के रूप में देती है, जबकि मुफ्तखोरी बिल्कुल अलग चीज़ है। समाज के निर्धन लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मिड डे मील देना किसी भी सरकार के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे वर्ग के लिए जो सरकारी सब्सिडी का मोहताज नहीं है उसे फ्री रेवड़ी बांटना देश के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल, इस बहस को सुलझाने की जिम्मेवारी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। रेवड़ी कल्चर पर डाली गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। सरकार का पक्ष रखते हुए इस दौरान SC तुषार मेहता ने कहा कि रेवड़ी कल्चर पूरी तरह बंद होना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार भी किया है। हालांकि अदालत ने ऐसे वादे करने वाली पार्टियों की सदस्यता रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर CJI ने कहा है कि वे नई पीठ को यह मामला भेज रहे हैं। 3 जजों की पीठ अब आगे रेवड़ी कल्चर वाले मामले की सुनवाई करेगी। तब तक तो साधो यह विवाद जारी रहेगा कि रेवड़ी कल्चर की रेवड़ी का स्वाद अच्छा है कि बुरा। आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।